अगर 19वीं शताब्दी से पहले के जापान की बात करें तो जापानी समाज पिछड़ा व मध्यकालीन था। उसमें आधुनिकता का बीज अभी तक नहीं फूटा था। विश्व इतिहास पर चल रही DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। 19वीं सदी के प्रारंभ में प्रशांत महासागर में यूरोपियों की हलचलें शुरू हो गई थी। जापान के समुद्र में रूसी, ब्रिटेन आदि देशों के जहाजों का आवागमन बड़े पैमाने पर हो रहा था। उस समय जापान का सम्राट नाम मात्र का शासनाध्यक्ष था और असली सत्ता सैनिक नेताओं के हाथ में थी। ये सैनिक नेता जापान में सदियों से ऊंचे ओहदों पर विराजमान थे और इन्हें शोगुन कहा जाता था। जब जापान ने यूरोपियों द्वारा की जा रही समुद्री गतिविधियों को गंभीरता से लेना शुरू किया तो 1825 में जापान द्वारा विदेशियों के जापानी धरती पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। दरअसल जापानियों का यह भय जायज था, क्योंकि वे यूरोपियों द्वारा दुनिया के तमाम कोनों पर कब्जा की गई कॉलोनियों के बारे में जानते थे। उनका यह शक तब और पुख्ता हो गया जब उनके पड़ोसी देश चीन में पहला अफीम युद्ध हो गया और इस युद्ध में चीन को यूरोपियों के हाथों पराजित होना पड़ा। यह जापान के लिए एक चेतावनी की तरह था। जापान ने यूरोपीय शक्तियों से बचने का भरसक प्रयास किया, किंतु वह अधिक दिनों तक विदेशी अतिक्रमण से बच नहीं पाया। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते अमेरिका भी प्रशांत महासागर में रुचि लेने लगा था और 1853 में एक अमेरिकी कमांडर पेरी अपने नौसैनिक बेड़े को लेकर जापान के समुद्र में पहुंच गया और जापान को युद्ध की धमकी दे डाली। मजबूरन युद्ध को टालने की खातिर जापान ने अपने दो बंदरगाह अमेरिकी जहाजों के लिए खोल दिए और यहीं से जापानी धरती पर विदेशियों के अतिक्रमण की शुरुआत होती है। इसके बाद एक के बाद एक कई यूरोपीय देशों ने जापान के साथ संधियां करके जापान में प्रवेश पा लिया। 1864 में यूरोपियों ने जापान के दो शहरों पर बमबारी करके अपनी सैनिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन जापान पर किया और धीरे धीरे जापान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। 1868 में शोगुन का शासन समाप्त कर दिया गया और जापान के सम्राट को कठपुतली बनाकर यूरोपियों ने वापस से सत्ता उसके हाथों में दे दी। जापान के इस नए सम्राट ने मेइजी की उपाधि धारण की थी और इस घटना को इतिहास में मेइजी रेस्टोरेशन यानी मेइजी पुनर्प्रतिष्ठा कहा जाता है। जापान अब पूर्ण रूप से पाश्चात्य देशों के संपर्क में आ चुका था। इन देशों के संपर्क में आने के बाद जापान के लोगों ने यह देखा कि ये यूरोपीय लोग बहुत उन्नत थे और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थे। जापानियों ने भी अब यूरोपियों की तर्ज पर पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप जापान में भी एक जागरण काल देखने को मिला जिसने जापान के आधुनिकीकरण का पृष्ठाधार तैयार कर दिया। शुरुआती दौर में जापान ने अपना आधुनिकीकरण आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया था, क्योंकि जापान यह समझ चुका था कि जब तक वह स्वयं को यूरोपियों के समकक्ष नहीं बना लेता तब तक यूरोपी उसे चैन से नहीं जीने देंगे। 19वीं सदी के अंत तक जापान ने औद्योगीकरण की दौड़ में खुद को शामिल कर लिया और उसने सुनियोजित तरह से अपने आर्थिक विकास का खाका तैयार कर लिया। इसके तहत जापान ने मुद्रा व बैंकिंग व्यवस्था का तेजी से विकास किया, कोयले की खानें चलाई, उद्योग मंत्रालय की स्थापना की, सीमेंट और लोहे के कारखाने लगवाए, साथ ही यातायात के साधनों का तेजी से विकास किया। जापान ने पश्चिमी ढंग से जलयान तैयार किए और बिना यूरोपियों की मदद के भाप से चलने वाले जलयान बनाए। इसके साथ ही जापान ने रेलवेज और डाक
व तार का भी विकास किया। जापान में जब औद्योगीकरण बढ़ने लगा तो उद्योग धंधे चलाने के लिए जापान को कच्चे माल की आवश्यकता महसूस होने लगी, और फिर उस बने हुए माल के लिए बाजार भी तो चाहिए थे। क्योंकि जापान एक छोटा सा देश है और उसके संसाधन अत्यंत सीमित हैं, इसलिए जापान को भी अब यूरोपियों की तर्ज पर नए बाजारों की तलाश होने लगी, और यहीं से जापान के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, वो था साम्राज्यवाद। जापान अब अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी सेना का सशक्तिकरण करना शुरू कर दिया। अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करके जापान ने 1895 में चीन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और चीन को हराकर फार्मोसा आइलैंड यानी ताइवान को अपने आप में मिला लिया। इसके बाद जापान ने चीन द्वारा कोरिया के ऊपर किए जाने वाले दावे को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और कोरिया को स्वतंत्र घोषित करवा लिया, और आगे चलकर 1905 में कोरिया को अपना संरक्षित राज्य बना दिया। 1902 में जापान ने ब्रिटेन के साथ मित्रता की संधि कर ली, और इस तरह जापान यूरोपीय शक्तियों के साथ बराबरी करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। 1904 में दक्षिण मंचूरिया को लेकर जापान ने रूस के साथ युद्ध किया और रूस को भी पराजित कर दिया और दक्षिण मंचूरिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया, और कुछ इस तरह से जापान उस समय का एकमात्र ऐसा एशियाई देश था जो साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगा। रूस को हराकर उसने यह साबित कर दिया था कि कोई भी गैर गोरा एशियाई देश यूरोपियों के बड़े देशों को पराजित कर सकता है। जापान की इस जीत का असर पूरे विश्व के तमाम उन देशों पर हुआ जिन पर यूरोपियों का कब्जा था, और भारत भी उनमें से एक था। जापान का अब एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आना इस बात का संकेत था कि विश्व में यूरोपियों का बोलबाला अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला है, और कुछ इस तरह से जापान विश्व पटल पर एक पिछड़े देश से उभर कर एक आधुनिक शक्ति बन गया।